का तो यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस 2.0 पर सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। अब एक बार सभी बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर लें। क्लास थोड़ी सी लेट हो चुकी है आज, पहले ही पहली क्लास हमारी लेट थी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चे भी जल्दी से लाइव आ जाएँ और मुझे कन्फर्म कर दें एक बार आप सभी की आपको ऑडियो जो वीडियो है वो प्रॉपरली मिल पा रहा है या नहीं, ये ज़रूर एक बार आप सभी कन्फर्म कर दें जल्दी से। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। एक बार सभी बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएं भाई। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, गुड इवनिंग फैनी अनमोल, आप सभी का स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है आज का, ठीक है। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर जो आपके लिए 10 मार्क्स का आएगा आपके DMER एग्ज़ाम में, और आपको पता है आपको अदर नर्सिंग जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपका कंप्यूटर का पोर्शन आता है। तो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड। अगर MS वर्ड की बात करते हैं, कोई भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमको स्पेलिंग चेक करनी है और ग्रामर चेक करनी है तो कौन सी की का हम प्रयोग करते हैं। गुड इवनिंग संदीप, ममता फैनी, नीतू संदीप, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और ममता सैनी का बिल्कुल सबसे पहले आंसर आया है F7 संदीप, और सार्थक दैया, संदीप रागी, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट। अभी करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डैट इज द फंक्शन की F7 का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो MS वर्ड एक वर्ड जो हम फाइल जिसके अंदर हम क्या करते हैं टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। गुड इवनिंग रीना वसीम, आप सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस डैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क्स, भाई जो पेंसिल मार्क्स को क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, वो डिवाइस कौन सा है, OMR, माउस, कार्ड रीडर या MICR। तो जल्दी से बताएं कौन सा वो डिवाइस रहने वाला है, जल्दी से आंसर करें। तो सभी बच्चे एक बार क्लास में उसको शेयर कर दो भाई, जो भी ग्रुप में इसी में अगर नहीं हुई है उसमें शेयर कर देना और लाइव जुड़ जाएं भाई। और टेस्ट जरूर दिया करो भाई, जो डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट आते हैं, अगर किसी क्वेश्चन वगैरह में गड़बड़ है तो अलग बात है, थोड़ा सा बुक में पहले देख भी लें, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले दिमाग लगाते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कुछ बच्चे पहले बिना देखे ही डाल देते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताएं भी क्या होगा। बिल्कुल भाई, सार्थक दैया का राइट आंसर है OMR, वही OMR शीट पे आप एग्ज़ाम देंगे ना, पहले पेंसिल से भरते थे, उसमें पेन से भरते हैं मार्क, उन मार्क को कोई रीड करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, ठीक है, OMR जो शीट होती है आपकी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोफोन इज एन डैश डिवाइस विच टेक वॉइस एज इनपुट, तो माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है, जल्दी से बताएं माइक्रोफोन जो डिवाइस है वो किस प्रकार का है, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जो हम बोलते हैं वो उसको टेक इन करता है, ठीक है, जो भी हम बोलते हैं माइक्रोफोन जो डिवाइस है उसमें वॉइस हमारी एज ए इनपुट होती है। तो आपको ये बताना है कि माइक्रोफोन कंप्यूटर के लिए किस प्रकार का डिवाइस रहने वाला है, आउटपुट इनपुट, जल्दी से बताएं। संदीप रागी ने सी किया है, वसीम ने ए किया है, संदीप ने ए किया है, वसीम कमाल कर दिया आपने तो, रीना जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ते नहीं हो भाई, बातों से पता लग गया, कोई फायदा नहीं है करवाने का, ऐसी फीलिंग आ रही है। वेल नीतू जी बल्ले बल्ले, अरे माइक्रोफोन है, ध्यान से देखो माइक्रोफोन किसको बोला जाता है, इनपुट रहेगा। ममता जी का राइट आंसर ठीक है, बाकी सभी का गलत है। अरे वो स्पीकर होता है जो आउटपुट देता है, जिससे हमें सुनाई देता है, माइक्रोफोन हमारी बात को सुनता है और हमारी बात को इनपुट करता है, किसमें, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन में माइक्रोफोन लगा होता है जिसको हम माइक भी बोलते हैं, ठीक है, जो लीड लगाते हैं ना, और लीड को जब अपने मुंह के पास लाके बोलते हो वहाँ पे क्या लगा होता है, माइक्रोफोन लगा होता है, वो आपकी वॉइस को इनपुट लेता है और इनपुट डिवाइस का काम करता है, फिर वो बाद में मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होकर कहाँ पर पहुँचता है, किसी के पास पहुँचता है, स्पीकर से बाहर सुनाई देगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रहेगा, सभी ने बहुत बच्चों ने गलत कर दिया है यार, इतना इजी क्वेश्चन है ये भी गलत कर दिया, उम्मीद नहीं थी आप सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ गए हो अब, यार फोन है, फोन से सीधा सीधा एग्जांपल लगा लो, स्पीकर पे फोन डालते हैं, स्पीकर आउटपुट देता है ना, बाहर सुनाई देता है ना स्पीकर से हमें, ठीक है, हमें पता लग रहा है, हमारे लिए वो आउटपुट का काम कर रहा है और हमारे लिए माइक क्या करता है, इनपुट का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ विच, तो कौन सी किस प्रकार की होती है आपको ये बताना है, जो हमारे पास क्या है, शिफ्ट कंट्रोल और ओल्ड एग्जांपल ऑफ अमंग द विच टाइप ऑफ द की, ठीक है, मॉडिफायर की, प्राइमरी की, फंक्शन की या अल्टरनेट की, कौन सी की होती है, जल्दी से बताएं। आ गया सर तो वेल डन, मुझे जल्दी से बताएं जो शिफ्ट है वो किस प्रकार की है, शिफ्ट की आपके पास है, जल्दी से बताएं, शिफ्ट हो गई यहाँ पे,
कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, ठीक है। ये कौन सी की होती है, हम ये क्वेश्चन पहले भी कर दिया, थोड़ा सा जूम, थोड़ा ज़्यादा जूम कर दिया है, लो जी, ठीक है। मॉडिफायर की कौन सी होती है भाई, मॉडिफायर की हो जाएंगी, ठीक है, शिफ्ट ओल्ट कंट्रोल ओल्ट, ठीक है, मॉडिफायर की होती हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम जल्दी से अपना, विच ऑफ द फ्लोविंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, कोई पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को हमें सिलेक्ट करना है तो किस की का प्रयोग करते हैं, कभी हम वर्ड में फाइल बनाते हैं, ओके, कॉम्बिनेशन की भी बोल सकते हैं आप उसको, नो इश्यू, में समझ गया, क्योंकि हम क्या करते हैं लेटर को कैपिटल और उसमें लिखने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ओके, ठीक है। जल्दी से बताएं अभी, कंट्रोल प्लस ए, दैट इज द डी राइट आंसर रहेगा हमारा, कंट्रोल प्लस ए इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं भाई, ओके, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज फाइल एक्सटेंशन यूज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देखिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सा, ठीक, कौन सी जो एक्सटेंशन है वो रहने वाली है, एक्सटेंशन मतलब समझ रहे हैं ना, कि भाई पीछे जो फाइल की एक्सटेंशन होती है, जैसे .mp3, ठीक है, .jpg होता है, वैसे क्या है, बिल्कुल PPT, उसे क्या बोलते हैं, PPT, बी ऑप्शन राइट रहेगा भी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फर्दर हमारे पास, एट द टॉप ऑफ द वर्ड इंटरफेस देयर इज, भाई टॉप में हमारे क्या होता है, अगर हम बात की जाए टॉप ऑफ द वर्ड इंटरफेस, जब हम वर्ड में लिखते हैं और टॉप पे आपको इंटरफेस पे क्या मिलता है, आपको ये बताना है, आपके ऑप्शन है टाइटल बार के बाद स्टैंडर्ड टूल बार के बाद हमारा क्या है मेनू बार और नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सभी बच्चे करें यहाँ पे आंसर, देखिए इसका जो बच्चे इसका ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल राइट रहेगा, टॉप पे बिल्कुल टॉप पे बात हो रही है, टॉप सबसे टॉप में आपका टाइटल होता है, अभी आपकी जो फाइल का नाम क्या है, ठीक है, टूल बार जो मेन्यू बार होगा ना जो उसके नीचे होगा, ठीक है, सबसे ऊपर हमारा क्या होता है टाइटल होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहने वाला है। कंप्यूटर के अंदर कभी खोल के देखना कोई वर्ड की फाइल, अपने आप पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन CD-ROM, देखिए जो CD-ROM ड्राइव होती है, ठीक है, जो CD को रीड करती है, ठीक है, उसके लिए उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑप्टिकल या फाइबर ऑप्टिकल या नन ऑफ दीज, तो जल्दी से आंसर बताएं भाई कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाता है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर कर दें, बिल्कुल स्टैंडर्ड टूल बार तो होता है लेकिन सबसे ऊपर टाइटल बार आएगा, कोई फाइल आप खोल के देखना, ठीक है भाई। अगर बात की जाए CD-ROM के अंदर तो यहाँ पे ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, CD के ऊपर जो है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, जो CD होती है वो रन करती रहती है और उसके ऊपर एक क्या लाइट फॉल करती है जो उसको रीड करती है, ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा भाई, CD ड्राइव होती है, पहले जो CD जाती थी वो कंप्यूटर में डलती थी, वो घूमती रहती थी और उनको रीड किया जाता था, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा भाई, ठीक है, ऑप्टिकली उनको रीड किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोविंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है, मतलब आपको बतानी है अभी किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, विच डिवाइस हैज स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसकी स्टोर करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है इन चारों में, वो बताना है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM या जिप डिस्क या नन ऑफ दीज, जल्दी से आंसर करें भाई एक बार, फटाफट आंसर करें भाई, आज 50 क्वेश्चन है, लगभग 11 बज जाएंगे जो जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करना है आपको। अंजलि कौशिक बी, माहीपाल बी, बिल्कुल भाई बी, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जो हमारी है, हार्ड डिस्क जो होती है इसकी मेमोरी इनमें सबसे ज़्यादा होगी, बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोविंग स्टेटमेंट इज ट्रू, में से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी है बेटा आपको, कैच मेमोरी आर बिगर देन रैम, कैच मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम, रोम आर फास्टर देन रैम, इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटन बाय यूजर, तो नन ऑफ दीज, तो जल्दी से बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सारी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है, फिर आंसर करना है, ओके, सोच समझ के आंसर करना भाई, बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट रहेगी ऑप्शन बी भाई, ठीक है, जो कैच मेमोरी होती है वो साइज में स्मॉलर होती है, किससे, रैम से, 2-3 MB की होती है अगर कंपेयर किया जाए रैम से अगर कंपेयर करते हैं तो,
2-3 MB इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और ये क्या होती है, फास्ट होती है। किससे फास्ट होगी बेटा? ये रैम और रोम दोनों से फास्ट होती है। कैश मेमोरी और स्पीड बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द मेमोरी बिलो इज ऑफन यूज्ड इन ए टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन। भाई कंप्यूटर जब भी कोई ऑपरेशन करता है ना, जब आपने कंप्यूटर ऑन किया, आप टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते समय जब तक आप उसको सेव नहीं कर रहे हैं, उस ऑपरेशन के समय उसकी कौन सी मेमोरी का प्रयोग वो करता है? रैम का, रोम का, FDD का, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, या HDD का, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको हम बोलते हैं? तो किसका प्रयोग करेगा आपको ये बताना है भाई, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको। बिल्कुल भाई राइट आंसर, जो बच्चे ए कर रहे हैं रैम, तो रैम मेमोरी का प्रयोग करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एज नेम इम्प्लाइज, रैंडम कहीं भी, जब भी आप कहीं भी कोई भी ऑपरेशन करेंगे, कोई भी टास्क करेंगे, तो रैंडम मेमोरी का प्रयोग करेगा कौन? कंप्यूटर, टास्क को करने के लिए। लेकिन जब आपने सेव कर दिया तो वो स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? ए भाई। अगला क्वेश्चन अभी आप सभी के सामने, ए हैकर टू एक्वायर योर पासवर्ड। भाई कोई हैकर है, वो आपके पासवर्ड को एक्वायर करना चाहता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, ठीक है? स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, बगिंग या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताएं क्या राइट आंसर रहेगा, स्पूफिंग, फिशिंग या नन ऑफ दीज, जल्दी से बताएं। जब कोई आपका पाने की कोशिश कर रहा है तो उसको स्पेशली क्या बोला जाता है? कंप्यूटर की टर्म में जब भी कोई आपके पासवर्ड चुराने को बोल की बात करता है तो उसे फिशिंग बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? फिशिंग में होता क्या है, देखिए फिशिंग में मेनली क्या होता है, आपके पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ठीक है, और जो भी आपके पिन से अगर कोई इनको चोरी करने की कोशिश करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? फिशिंग कहलाती है। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? फिशिंग कहलाएगी। और जब भी कोई साइबर क्रिमिनल, ठीक है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी होगी या मिसकंडक्ट होगा, ठीक है, या किसी डिवाइस में अनौपचारिक की जाएगी, तो वो स्पूफिंग होती है, ठीक है, वो बात आपको याद रखनी है। ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी को जब ब्रीच किया जाता है, पासवर्ड चोरी करना अलग है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, फिशिंग रहेगा इसमें। बगिंग होता है, आपको पता है, एरर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव डॉक्यूमेंट। भाई कौन सा है वो डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव डॉक्यूमेंट? टाइटल बार, मेन्यू बार या स्टेटस बार? भाई वर्ड के अंदर ना, वर्ड के अंदर ये 2-3 जो पॉइंट है ये बनते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कौन करेगा? स्टेटस बार करेगा। मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें, आप ये पढ़ लेना, स्टेटस बार क्या करेगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताएगा आपको, जो एक्टिव डॉक्यूमेंट हमारा चल रहा है उसका क्या स्टेटस, स्टेटस इन द सेंस भाई कितने वर्ड्स आ चुके हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा फॉन्ट चल रहा है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फुल फॉर्म्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है SAN किसके लिए स्टैंड करता है। SAN जो नेटवर्क के अंदर जो है, SAN किसके लिए स्टैंड करता है, जल्दी बताएं। स्पेसिफिक एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क या स्टैंडर्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा, नन ऑफ दीज, जल्दी से एक बार आंसर कर दें सभी बच्चे, ठीक है। स्पेसिफिक एरिया नेटवर्क रहेगा, ठीक है, सिस्टम एरिया नेटवर्क रहेगा, जल्दी से करें, या स्टैंडर्ड एरिया नेटवर्क रहेगा भाई। ओके, वैसे इसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, VPN। VPN आपने बहुत बार सुना होगा भाई, VPN क्या होता है? वर्चुअल परफेक्ट नेटवर्क, वर्चुअल पावर नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या नन ऑफ दीज, जल्दी से आंसर बताएं, VPN का क्या आंसर रहने वाला है? डैट इज VPN। आप अपने मोबाइल में जाके उसकी सेटिंग देखना, एक्सेस पॉइंट वाली, वहाँ पर आपको VPN मिल जाएगा। और VPN क्या होता है जल्दी से बताएं, VPN किसके लिए स्टैंड करता है? व्हाट इज VPN? VPN इज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या होता है आपका? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम जल्दी से, द ओरिजिनल ग्रू इनटू द इंटरनेट। मैं ये बोल रहा है कि इंटरनेट जो बना है ना, इंटरनेट किससे ग्रू हुआ है, ठीक है, जो ग्रोथ देखने को मिली है ना, पहले इंटरनेट नहीं था लेकिन उसका नाम बदल कर इंटरनेट पड़ गया, या कुछ उसमें चेंज हुआ तो उसको हमने आज इंटरनेट यूज किया। तो अब सभी को पता है, अगर बात की जाए
आर्पानेट, पहले आर्पानेट होता था जो मिलिट्री पर्पज के लिए यूएसए में यूज किया गया था, ठीक है, और उसी को बाद में एज ए इंटरनेट के रूप में हम यूज करते हैं भाई। तो बी इसका ऑप्शन राइट रहेगा भाई, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है बेटा यूडीपी स्टैंड फॉर, ये भी ये फुल फॉर्म्स भाई सारी करानी है आपको, सारी करवा देंगे, और एक दिन रिवीजन तो करानी है, मैं डेली आपको 7-8 करवाता हूँ, आज भी हमने 4 मास्टर अभी कर लिए हैं। तो यूडीपी की फुल फॉर्म बताएं भाई, यूडीपी किसके लिए स्टैंड करता है, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, अनडिस्पैच्ड प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दीज। तो क्या राइट आंसर रहेगा जल्दी से बताएं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए नेटवर्किंग लेयर जो है वहाँ पर ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं, मैं पहली बार बता चुका हूँ, और OSI जो मॉडल होता है उसमें 7 लेयर होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे शुरुआत फिजिकल लेयर से होती है, पहली लेयर फिजिकल लेयर होगी और लास्ट लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर होगी, ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा भी, ठीक है, हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। NIC स्टैंड फॉर, यहाँ पर NIC है शॉर्ट फॉर्म ऑफ NICE इन कंप्यूटर लैंग्वेज, नेटवर्किंग इंटरकनेक्शन, नेटवर्क इंटरनल कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। गुड इवनिंग ज्योति जी, स्वागत है आप सभी का। अरे क्या बात, बच्चे सो गए हैं क्या भाई, बस लेके आओ बच्चे, कहाँ पर रह गए भाई, सभी बच्चे लाइव जुड़ जाओ यार, क्लास को पढ़ लो, यही टाइम है पढ़ने का, बातें करना छोड़ दो, चैटिंग वैटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, पार नहीं उतरोगे ऐसे ही रह जाओगे। राइट आंसर रहेगा बी डी इसका, ठीक है, NIC किसके लिए स्टैंड करता है, डेट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भाई। अगला लेते हैं CAD, 6-7 फॉर्म आ गए भाई, अगर कोई भी नई फॉर्म है ना उसको एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। CAD कैड बोलते हैं, कैड क्या होता है, कंप्यूटर एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, कंप्यूटर असेस डिजाइन, कंप्यूटर असेस डेवलपमेंट। कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा मैकेनिकल और जो हमारे, अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियर भाई और जो हमारे सिविल इंजीनियर है वो डिजाइन पर्पज के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, और ये होता क्या है, डैट इज कंप्यूटर एडिट डिजाइन होता है। तो इसमें डिजाइन को किया जाता है हाई लेवल पर, जो कार है या बिल्डिंग है उनके डिजाइन वो बनाते हैं भाई, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा रहेगा भाई बी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर नए हैं ऐसे मीन सक्सेस 2.0 को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास POP इन कंप्यूटर लैंग्वेज स्टैंड फॉर, एक और फुल फॉर्म आ चुकी है फर्दर, POP किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है, ये कमरे में जो पेंट वाली POP नहीं है भाई, ठीक है, डैट इज पॉइंट ऑफ परफेक्शन है, पॉइंट ऑफ प्रजेंस है, पॉइंट ऑफ पिक्चर है, या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएं POP किसके लिए स्टैंड करता है यहाँ पे। तो POP क्या होता है, डैट इज पॉइंट ऑफ प्रजेंस, पॉइंट ऑफ प्रजेंस हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है भाई। सभी ना जो कंप्यूटर की नई फॉर्म है, देखिए इनके बारे में हमको जानना जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ फुल फॉर्म का ही पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है बेटा आगे शॉर्टकट की फॉर मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, अगर हमें कर्सर को मूव करना है नेक्स्ट वर्ड के लिए तो हम कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपके शिफ्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे जो रहेगा बी राइट ऑप्शन रहेगा, जो भी बच्चे बी इसका आंसर कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस में क्या करेंगे, राइट एरो का प्रयोग करेंगे आगे जाने के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू गो टू बिगनिंग ऑफ ए करंट लाइन यू विल प्रेस, भाई अगर हम किसी लाइन की बिगनिंग में जाना चाहते हैं, शुरुआत में जाना चाहते हैं, तो हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस होम, होम ऑल्ट प्लस होम, या नन ऑफ दीज। तो वेरी सिंपल, जब भी हम शुरुआत में आना चाहते हैं ना तो शुरुआत हमारी घर से ही होती है, ठीक है, तो घर से शुरुआत होती है तो क्या करेंगे, होम को दबाएंगे भाई, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। आज 4-5 बिल्कुल न्यू फॉर्म आई है, उनको जरूर देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पर्सन हु राइट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड आ, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट डेवलपर, या नन ऑफ दीज। तो वो क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, मैं आपको बता दूं, इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बहुत एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है, आप सभी के लिए जल्दी से बताएं, क्रैश, बग, पावर फेलियर, नन ऑफ दीज। तो क्या बोलते हैं उसको भाई, ठीक है। अगर बात की जाए एक एरर की, इन कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई एरर होता है उसको क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, बग। और डीबगिंग क्या होती है, एरर को रिमूव करना, डीबगिंग कहलाती है, बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा भी, ओके। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ टू और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर, अगर एक ही साथ
दो या इससे ज़्यादा प्रोग्राम को कोई प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर यूज कर रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर काम कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा भाई, मल्टी प्रोसेसिंग उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आई थिंक आप सभी को इसका सही आंसर देना है। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। भाई मैसेज जो अंदर लिखा है उसके बारे में हिंट कौन देता है? उसका सब्जेक्ट देगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, जब भी कोई मेल टाइप करते हैं ना ऐसे करके बॉक्स बना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर सीसी होता है, ठीक है, फिर बीसीसी होता है, फिर नीचे हम मैटर लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं उसकी, ठीक है, ईमेल टाइप करते हुए, ठीक है। तो सब्जेक्ट बताता है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, हिंट उसके बारे में कौन सा, किससे पता लगेगा? सब्जेक्ट से पता लगेगा भाई। ओके, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, FDDI किसके लिए स्टैंड करता है? तो ये है फायर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, या फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, या नन ऑफ दीज। तो थोड़ी सी हटके आपको टर्म देखने को मिल रही होंगी मेरे हिसाब से, डैट इज मैं आपको बता दूँ ये क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। पता क्या करना है अभी आपको ना, ये रटने नहीं है, बस आपको एक बार देखना है अभी, ऐसी कोई चीज़ होती है, ठीक है, कोई अलग से चीज़ ना आ जाए आप लोगों के लिए। अगला ये इंपॉर्टेंट है अभी, ये पता होनी चाहिए, डैट इज बेसिक कंप्यूटर का, जो ANSI है ये किसके लिए स्टैंड होता है? आज हमारी 10 से 12 फुल फॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है, इनको कर लेना आप सभी। अगला बताया भाई ये क्या, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एशियन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, या ऑस्ट्रेलियन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, या नन ऑफ दीज। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा अमेरिकन वाला भी, ठीक है, डैट इज़ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, इन ए स्टार नेटवर्क ईच नोड डैट इज द फाइल सर्वर वर्क स्टेशन एंड पेरिफेरल्स इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड। भाई अगर स्टार नेटवर्क की बात करते हैं, देखिए ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, उसमें जो टोपोलॉजी बनती है ना, स्टार टोपोलॉजी बनती है, ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है आपको, सिर्फ डिवाइस देखना है किस डिवाइस के साथ ये चीज़ होती है, तो उसे हब बोला जाता है भाई, जो सेंट्रल डिवाइस है हब। हब क्या करता है? सभी चीज़ों को जोड़ता है। थोड़े से क्वेश्चन नए भी हैं और मुश्किल भी हैं मुझे पता है, ठीक, लेकिन एक बार ज़रूर आपको ये देखने हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, कोएक्सियल केबल इज सिचुएबल फॉर यूज इन टोपोलॉजी। जो कोएक्सियल केबल है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? कोएक्सियल केबल का प्रयोग हम बस टोपोलॉजी में करते हैं भाई, ठीक है, बस टोपोलॉजी में करेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे सामने, डैश इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैट इज इंटरप्रेटेड और एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। भाई सर जी आप एग्ज़ाम लेते हो वो कैसे स्टार्ट करते हो, व्हाट्सएप पे नहीं होती? सर जी आप एग्ज़ाम लेते हो वो कैसे, कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं संतोष? नर्सिंग की क्लास, नर्सिंग की क्लास नहीं होती, इसलिए भाई नर्सिंग वाली मैम जो है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं काफ़ी समय से, ठीक है, पहले भी थी इसलिए 4-5 दिन क्लास नहीं ले पाई, अभी भी मैम ना हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं और काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं, मतलब काफ़ी अच्छी लेवल से बीमार हैं, ये समझिए आप, हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, तो वो शायद क्लास ना भी ले पाए, ठीक है, और उनका एग्ज़ाम भी है, तो दोनों सिचुएशन में वो फंसी हुई हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होता है अगर आएंगी तो। वो वाले मॉक टेस्ट कैसे होता है? अरे आप ना लिंक मिल जाता है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां पर सारे दे रखे हैं, उन पर क्लिक कीजिए। आपको वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा, वहां पर पहुंचने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए या गूगल पर टाइप कर लीजिए एस ए मीन्स सक्सेस, गूगल पर एस ए मीन्स सक्सेस आप टाइप कर लीजिए, ठीक है, वहां से आप पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर, वहां पे आप जीमेल लॉगिन करके अपना टेस्ट दे सकते हैं भाई। ओके, तो मशीन लैंग्वेज होती है भाई जो डायरेक्टली इंटरप्रेट होती है, ठीक है, इसका मतलब है कि कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं बेटा क्या हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोर्टोन, कोबाल, बेसिक, पास्कल, सी लैंग्वेज आर एग्जांपल ऑफ, ये कौन सी लेवल की लैंग्वेज है? आप हाई लेवल लैंग्वेज है, मिडल लेवल लैंग्वेज है, या लो लेवल लैंग्वेज है, या नन ऑफ दीज? तो कौन से लेवल की लैंग्वेज है भाई? ये सभी की सभी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें हम कीवर्ड्स का, स्मॉल कीवर्ड्स का, नंबर्स का, लेटर का, सभी का प्रयोग उसमें कर लेते हैं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, सी लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है आपको, आंसर कर दीजिए, वैसे मैं ही बोल देता हूँ जल्दी से, डेनिस रिची, ए आंसर रहेगा इसका, ठीक है भाई। आप लोग ना बुक पढ़ें, देखिए हम बुक तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं ना आपको, टाइम से कम है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, देखिए जो भी नया क्वेश्चन आपको लगता है
उसे एक बार जरूर ध्यान से देखें। डैश इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश BIOS, मैंने कल ही बताया था, एक बार जल्दी से ना BIOS की फुल फॉर्म बता दें सभी बच्चे, कमेंट करें मेरे को BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। BIOS की फुल फॉर्म बताएं एक बार क्या होगी। देखिए यहाँ पे बताना है फ्लैश BIOS किसको बोला जाता है, पी रोम को, डैट इज ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी, EEP रोम डैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमरी रीड ओनली मेमरी, और ऐसे ई होता है डैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी या नन ऑफ दीच। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बेटा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। माहीपाल जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक चिप होती है जो हमारी किस पे लगी होती है, डैट इज बेसिकली रोम पे होती है, डैट इज रीड ओनली मेमरी जिसको हम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा भाई, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी, ये पूछी जाती हैं, इनको जरूर याद रखें भाई, ठीक है। वेल डन संदीप, ज्योति, ममता, नीतू, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, अभी जो एप्पल कंप्यूटर है ये किसके द्वारा फाउंड किए गए थे, जो एप्पल कंप्यूटर है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, गोब्लेट ओवटा या स्टेफनी लिंसे या बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। तो किसने किया था, स्टीव जॉब ने क्या किया था, फाउंड किया था भाई एप्पल को, जो एप्पल के फ़ोन के पीछे भागे रहते हैं ना, इसे स्टीव जॉब ने फाउंड किया था। अगला क्वेश्चन है मदर बोर्ड इज, भाई ये कोई गलत ना करे, थोड़ा सा ना छोटा करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन टाइप हुआ है। मदर बोर्ड क्या है, ए बोर्ड विच कनेक्ट ओनली CPU एंड कीबोर्ड, ए सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट ऑल द एलिमेंट कीबोर्ड और अदरवाइज नोन एज मदर बोर्ड या CPU सर्क्यूटरी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, एक बार जल्दी से सभी बता दें, भाई जो कीबोर्ड है मदर बोर्ड है वो क्या होगा, ठीक है। मदर बोर्ड क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिससे सभी क्या होता है, जो सभी एलिमेंट को कनेक्ट करता है भाई, बी ऑप्शन राइट रहेगा भाई। डी कौन सा डी, अगर आप उसका पीछे वाले का दे रहे हो तो अलग बात है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी, एक सर्किट बोर्ड होता है जो कनेक्ट करता है सभी एलिमेंट को, ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आपको बताना है बेटा इनमें से कौन सा एक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड टाइप, इंक्लूड पांचवी जनरेशन की कौन सी टाइप इसको इंक्लूड करती है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई एक बार, सभी आंसर कर दें भाई एक बार जल्दी से। भाई जो PDF वगैरह है ना वो हमने टेलीग्राम पे डाल देते हैं, जो भी हमें मिलती है ग्रुप में डाल देते हैं, आप टेलीग्राम को सर्च कर लें, टेलीग्राम पे जाके ऐसे मीन सक्सेस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लें, PDF वगैरह आपको मिलती रहेंगी। आज भी मैं 2-4 PDF जरूर डाल दूंगा, नर्सिंग वाली भी डाल दूंगा अभी। तो यहाँ पे बिल्कुल डी ऑप्शन जो बच्चा कर रहे हैं ना संतोष जी, बिल्कुल राइट आंसर, ये सभी के सभी पांचवी जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण है भाई। पांचवी जनरेशन कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है AI, डैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये जरूर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस यू कैन यूज इन ए नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टीड ऑफ माउस। भाई हम कर्सर को घुमाने के लिए ना माउस का प्रयोग करते हैं डेस्कटॉप में, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप के, जो लैपटॉप है या नोटबुक है उसके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, पॉइंटर या नन ऑफ दीच, ठीक है। तो जल्दी से बताएं मेरे को इसका आंसर, किसका इसमें हम प्रयोग करने वाले हैं, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, डैट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक डिवाइस होता है, एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है, जो भी हमारे लैपटॉप हैं कंप्यूटर हैं उस पर आप जैसे ही आप उसे टच नहीं उसको हम आप क्या करते हैं टच बोल दीजिए या उसे घुमाने का बोल दीजिए, मतलब कैसे उसको, मतलब अगर स्लाइटली मूवमेंट देंगे तो आपका कर्सर मूव हो जाएगा। बी राइट आंसर रहेगा, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एम रोम इज स्टैंड फॉर, एम रोम क्या होती है, मैनेज रीड ओनली मेमरी, मास्क रीड ओनली मेमरी, मैनिपुलेटेड रीड ओनली मेमरी या नन ऑफ दीज। बट ये मत सोच रहे ना भाई ये कहाँ से लेके आए हो सर, सर PDF व्हाट्सएप पे भी डाल दिया करो, अरे व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा बेटा, ठीक है, ओके। पॉइंटर नहीं था, इसका रहेगा जो राइट आंसर है, इसका बी राइट आंसर रहने वाला है, डैट इज मास्क्ड रीड ओनली मेमरी, ओके। अगला क्वेश्चन है बेटा जो रूटर है किस लेयर में काम करता है, रूटर हमारा नेटवर्किंग लेयर में काम करता है। जो आंसर मैं सीधे बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि आपने पहले पढ़े नहीं होंगे, सिर्फ आप इनको देख लें, क्या पता आपके एग्जाम टाइम में सीधे आ जाएं, कई बार देखा हुआ पढ़ा हुआ याद रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा CDMA किसके लिए, CDMA की फुल फॉर्म बताएं, आप सभी सुना होगा ना पहले CDMA मोबाइल आते थे, पहले हमारे पास ना मोबाइल जैसे GSM होता था, जनरल सिम मोबाइल, ऐसे CDMA मोबाइल आते थे, तो मुझे बताएं जल्दी से
सीडीएमए किसके लिए स्टैंड होता है, सीडीएमए का फुल फॉर्म बताया जल्दी से, कोर डिवीजन मल्टीपल एसेस, कोर डिवीजन मल्टीपल एसेस, कोर डिजिटल मल्टीपल एसेस या कोर डिजिटल मल्टीपल एसेस, तो क्या रहेगा, दैट इज कोर डिवीजन मल्टीपल एसेस होता है। क्या होता है सीडीएमए, कोर डिवीजन मल्टीपल एसेस होता है, बी ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बीसीआर बहुत ही तुक्के ही लग रहे हैं सर हमें तो, बेटा बस फुल फॉर्म है ना ये देख लो यार, मेरा कहने का मकसद है जितनी बनती है ना 100-150 फुल फॉर्म मैं आपको करवा दूँ, इनसे बाहर कोई ना मिले, ठीक है। बाकी देने वाला तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन आपको ये करेंगे ना तो आप कुछ पढ़ेंगे यार, कोई चीज़ हमें नहीं आती है ना फिर हम किताब उठाते हैं, और किताब उठाएंगे तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी उसमें, ओके। क्या होता है बेटे, बार कोड रीडर होता है, ठीक है, डैट इज़ बार कोड रीडर सी, ठीक है, जो बार कोड हम रीड करते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म बताएं जल्दी से, आप वाईफाई बहुत यूज़ करते हैं ना तो वाईफाई का फुल फॉर्म बताएं क्या होगा, ठीक है। वाइड इंटरचेंज फॉर नेटवर्क, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज या वायर फॉर इंटरनेट, क्या होगा जल्दी से एक बार आंसर करें भाई, वाईफाई बहुत सुना होगा ना आप लोगों ने। बिल्कुल भाई बी ऑप्शन इज द राइट, जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी वायरलेस फिडिलिटी होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा MIPS, MIPS का हम यूज जो करते हैं वो भी आपको बताना है और इसकी फुल फॉर्म भी आपको बतानी है भाई, ठीक है। कंप्यूटर्स की जो हम क्या करते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए MIPS का यूज करते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या माइल इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। जो भी स्टूडेंट नया है यहाँ पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे भाई, ऐसे मीन सक्सेस 2.0 को क्लास को शेयर करता रहे भाई जल्दी से। बिल्कुल भाई राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, डैट इज द माइल्स इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू, भाई जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी इन तीनों में वो कौन सी मेमोरी है और जो सीपीयू की स्पीड को भी बढ़ाती है, मैंने कई बार करवाया आपको जल्दी से बताया, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, तो कौन सी मेमोरी रहने वाली है। बिल्कुल भाई जो बच्चे भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल कैश मेमोरी, कैश मेमोरी जो इन तीनों में सबसे तेज है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और जो क्या करती है सीपीयू की स्पीड को भी बढ़ाती है भाई, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का आपको पता होगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन सी आती है हमारी रैम, रोम, ठीक है, और कैश मेमोरी आ जाती है, सेकेंडरी के अंदर हमारे स्टोरेज डिवाइस आते हैं, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सभी उसमें चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा एक इनकोरेक्ट है, सॉरी इनकोरेक्ट आपको बताना है, कौन सा करेक्ट नहीं है, 1KB 1024 bytes, 1MB 1024 KB, 1GB 1024 MB, 1TB 1024 GB और 1 PB, डैट इज इक्वल टू 1024 TB। तो जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है, जल्दी से करें भाई, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो गई है कल के मुकाबले। क्या आंसर है बेटा, ये सभी के सभी ठीक हैं, ओके, इनमें से नन ऑफ दीज आंसर रहेगा इसका, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे नन ऑफ दीज डी आंसर, इसका एफ आंसर आ जाएगा, ठीक है, सभी इनमें से कोई इनकरेक्ट नहीं है, सभी के सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अनदर वर्ड फॉर सीपीयू, सीपीयू को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एक तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, और यहाँ पर कैसा नाम है वो आपको बताना है, एग्जीक्यूट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रोचिप या नन ऑफ दीज, तो इसे माइक्रो प्रोसेसर भी जाता है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिक, बेसिक किसके लिए स्टैंड करता है, हम बोलते हैं ना भी कंप्यूटर का हम बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक लैंग्वेज सीख रहे हैं, बेसिक क्या होता है कंप्यूटर का, डैट इज़ द बेसिक असेस टुवर्ड द स्किल्स इन कंप्यूटर बिगनर इन ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड या बाइनरी एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कोड या नन ऑफ दीज, तो जल्दी से बता रहे भाई मेरे को एक बार, ठीक है, ये बेसिक की फुल फॉर्म होगी भाई, ठीक है, जल्दी से आओ भाई एक बार, मुझे लगता है भाई बच्चे आज क्लास में कम है, ठीक है। डैट होता क्या बेटे, जो बच्चे बी आंसर कर रहे हैं उनका राइट है, बाकी सभी का गलत है, होता क्या, डैट इज बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है बेसिक, जो बोलते हैं ना बेसिक कंप्यूटर का हम बेसिक सीख रहे हैं उसको ये बोला जाता है, बेसिक लैंग्वेज जो हम बोलते हैं। अगला है एस रैम, मैंने अभी बताया था, ये कल बताया था बेटे, एस रैम का फुल फॉर्म बताया, इनमें से राइट कौन सा है, कोई गलत ना करे, जो बच्चा गलत करेगा ना उसकी पिटाई हो सकती है,
ठीक है, ये क्वेश्चन गलत करने वाला नहीं है। स्पीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंगल रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सर्विसेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक फुल फॉर्म और आ गई है, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल भाई, जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल राइट है, डैट इज द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत है हाई कॉस्टली मेमोरी होती है और बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड भी होती है भाई। अगला क्वेश्चन है बेटा डी रैम, डी रैम हमने कल ही किया था, जल्दी से बताएं डी रैम क्या होता है। डिजिटल रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ड्राइव रैंडम एक्सेस मेमोरी, या डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है डी रैम जल्दी से बताएं। क्या होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या होती है एस रैम से स्लो होती है भाई। ओके, जी यू आई स्टैंड फॉर, डैट इज मैंने कई बार करवाया जल्दी से ये भी, डैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ऑप्शन ए ही रह जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट अमंग द ऑल द मेमरीज, इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, कैच मेमोरी यहाँ पे फास्ट रहेगी। ओके, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अगला ये बताएं बेटा वी डी यू किसके लिए स्टैंड्स करता है, एक और फुल फॉर्म आती है आपकी, वी डी यू किसके लिए स्टैंड करता है जल्दी से बताएं। डैट इज द वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या नन ऑफ दी जल्दी से। मुझे लगता है आज काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, पता नहीं चल रहा जल्दी जल्दी में, ठीक है। डैट इज द विजुअल, अरे वीडियो डिस्प्ले यूनिट नहीं होगी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होगी भाई, सी ऑप्शन राइट रहने वाला है इसका, सी राइट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग द डिफेक्ट इन ए प्रोग्राम। मैंने आपको बताया था किसी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है उसको निकालने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बग्स, डीबगिंग, वायरस कंट्रोल प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दीज। तो डीबगिंग वो प्रोसेस होती है भाई, कौन सी प्रोसेस होती है, डीबगिंग, डीबगिंग वो प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं डिफेक्ट या एरर को एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पीडीपी किसके लिए स्टैंड करता है जल्दी से बताएं, जो पीडीपी है वो किसके लिए स्टैंड करता है, प्रोसेस्ड डायनेमिक प्रोसेसर, पर्सनल डाटा प्रोसेसर, या पेरेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पर्सनल डाटा प्रोसेसर रहता है, बी ऑप्शन। तो मुझे लगता है मैंने आज ज़्यादा ही क्वेश्चन बना दिए हैं, इसका आंसर और करा भाई मैं बता चुका हूँ, जो फोर्टोन लैंग्वेज है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, या फॉर्मूला टेक्नोलॉजी, जल्दी से बताएं क्या है। डैट इज आंसर, फास्ट आंसर करो भाई, जल्दी जल्दी करो ठीक है, 11 बज जाएंगे ऐसे तो क्लास ख़त्म नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बी राइट आंसर रहेगा इसका, डैट इज द फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बी इज द राइट आंसर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओहो क्लास ख़त्म हो गई भाई, ठीक है। तो भाई एंड ऑफ द क्लास, आज इतने ही क्वेश्चन थे भाई ठीक है, कंप्यूटर की ये एमसीक्यूज की हमारी छठी क्लास थी। देखिए मेरे मुझे ऐसा लगता है थोड़े से मैंने जो न्यू क्वेश्चन डालता हूँ ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक बार प्रीवियस क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा सा अलग भी आ सकता है, तो हमारे जो पिछले ईयर का जो पेपर है ना आधारित है उसी पर है, उसमें दो फुल फॉर्म पूछ ली थी आपसे और वो इजी थी बिल्कुल ठीक है। तो नर्सिंग के मैंने कुछ स्पेशल नोट्स और सिलेबस भी भेजा हुआ है ग्रुप में, आप उसे ज़रूर एक बार देख लें ठीक है। कहाँ पे देखना है आपको, टेलीग्राम पे देखना है, टेलीग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, ऐसे मीन्स सक्सेस लिखेंगे टेलीग्राम ग्रुप में आप आ सकते हैं। ओके ठीक है, आपको अगर ग्रुप में ऐड होना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट ने भाई, आज कम बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए थे भाई, गलती टेस्ट में होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट को हम बिना मेहनत के बना रहे हैं, लेकिन आज के टेस्ट में मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं थी, सभी बच्चे टेस्ट जरूर दें, आज बच्चों ने कम टेस्ट दिया है ठीक है। हरियाणा जीके और कंप्यूटर के टेस्ट हम जो है वो भी ज़रूर डालेंगे, अभी आज पांचवा टेस्ट था आपका नर्सिंग का, सभी बच्चे ने ठीक है, बच्चे कम टेस्ट दे रहे हैं, पहले दिन 300 बच्चों के ज़्यादा रिस्पांस थे, आज 200 बच्चों के रिस्पांस आए, 100 बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट भी ज़रूर दे भाई आप सभी। ओके थैंक यू सो मच आप सभी का, पढ़ते रहें तैयारी करते रहें, व्हाट्सअप पर डाल दूंगा बेटे, ज़रूर डाल दूंगा सभी ग्रुप में, दोबारा डाल दूंगा। ओके तो मिलते हैं कल दूसरी क्लास में, थैंक यू सो मच आप सभी का, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें भाई, धन्यवाद।